राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन में 8 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीराम इंटर कॉलेज बड़ौद के 18 मेधावी छात्रों को प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्राप्ति व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव तोमर व डायरेक्टर उपेंद्र चौधरी को भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि श्रीराम इंटर कॉलेज बड़ौद के छात्र प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देते आ रहे हैं, जिनमें 2019 की बोर्ड परीक्षा में तनु तोमर ने इंटरमीडिएट कक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके पश्चात 2020 की बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट में अनुराग मलिक व हाईस्कूल में रिया जैन ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का परचम लहराया था। ऐसा प्रदेश में पहला अवसर था कि दोनों कक्षाओं के टॉपर एक ही विद्यालय से रहे हों। गत वर्ष की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के छात्र अर्जुन चौधरी ने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त कर गौरव बढ़ाया था। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव तोमर से हुई वार्ता में उन्होंने बताया कि राजभवन से प्राप्त निमंत्रण पर वह विद्यालय के 18 मेधावी छात्र छात्राओं को लेकर लखनऊ राजभवन पहुंचे थे, जहां पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और विद्यालय में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर शिक्षा को और अधिक आसान व रोचक पूर्ण बनाने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा दी। मैं डॉक्टर राजीव तोमर, प्रिंसिपल श्रीराम इंटर कॉलेज। देखिए, राजभवन से एक निमंत्रण आया था जिसमें जो 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस वहाँ पे मनाया गया, तो उसमें हमारे विद्यालय के 18 छात्र छात्राओं का निमंत्रण वहाँ पे था, तो उसमें मैं बच्चों को लेकर राजभवन पहुँचा था, जहाँ पर बड़ा अच्छे से स्वागत किया गया, बच्चों को सम्मानित किया गया। जो हमारी माननीय गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, उनके द्वारा छात्रों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही, क्योंकि मैं गया था साथ में और डायरेक्टर सर थे, दोनों को भी सम्मानित किया गया। दो बच्चे, क्योंकि जो स्टेट टॉपर 2019 में तनु तोमर है, वो गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रही है, इस कारण से वो नहीं आ पाई, वो महाराष्ट्र में थी। दूसरी लड़की जो थी हमारी, एक DU में उसका प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल होने की वजह से वो नहीं जा पाई। बाकी 20 बच्चों का निमंत्रण था, जिनमें से 18 बच्चे राजभवन में पहुंचे। हम जो माननीय महोदया है, उन्होंने बताया कि बच्चों में आज के समय में टेक्निकल चीज़ों को यूज करके शिक्षा को और ज़्यादा प्रभावी हम बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेम के लिए भी प्रेरित करें कि वे स्पोर्ट में भी अच्छा काम करें और देश की सेवा करें।